हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अड्डा 2.0। आज क्लास रे हम डिस्कशन करिबा ओडिशा सीजीएल एंड ओडिशा आदर्श विद्यालय एग्जाम पाई टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू जहाँ कि आपमनकर अपकमिंग एसएसटी टीजीटी सेवक सेविका आरआई अंगनवाड़ी सुपरवाइजर पाई मध्ये इंपोर्टेंट रहिबो। तो आपमनकर सीजीएल एग्जाम खूब शीघ्र हेबा को जाउछि, तास तापनकर ओएबीएस तापनकर बहुत कम दिन रही, आमर 5 तारीख आरंभ होगा जाऊँगी, तो से इम्पोर्टेन्स रहिबो। 50 क्वेश्चन रही, आप 50 रे केते स्कोर रखुछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जणाई पारिबे। तो फर्स्ट क्वेश्चन रही, रिसेंटली हु बिकम आईसीसी मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 आंबासडर। तो रिसेंटली आईसीसी मेन्स T20 वर्ल्ड कप आमर जो है तापाई आमर आंबासडर किए चयन कर आईसीसी मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 आंबासडर क्या चयन कर। तो आईसीसी मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 आंबासडर चयन कर क्या सी हूँ युवराज सिंह, ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर युवराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु ओन द बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड एट द स्काई ट्रास्क अवार्ड 2024। से कौन स्काई ट्रास्क अवार्ड 2024 कौ एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड दि जाए, कौ एयरपोर्ट को दिया जाए बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड, आमर ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा, ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु हैज अपॉइंटेड एज द न्यू कोच ऑफ इंडियन वोमेन्स हॉकी टीम। से कहे आमर इंडियन वोमेन्स हॉकी टीम रो नुआ कोच क्या निजुक्ति कर, इंडियन वोमेन्स हॉकी टीम रो न्यू कोच होती किए सी होती हरेंद्र सिंह, किए हरेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, द बुक नेम्ड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी वाज ऑथर्ड बाय। तो से कहे आमर जो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुकटा, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक किए लिखिंट, तार ऑथर किए, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक रो ऑथर होती साम पिट्रोडा, ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर साम पिट्रोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, वर्ल्ड हेल्थ डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 7th अप्रैल 2024, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे 2024। तो आमर 7 अप्रैल रे आमर विश्व स्वास्थ्य दिवस पालन करागला, से पचारिछि जो आमर वर्ल्ड हेल्थ डे पालन करागला 2024 रो तार थीम कौन बोली से पचारिछि, तार विषय वस्तु कौन, तार थीम होछि माई हेल्थ माई राइट, माई हेल्थ माई राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर जनरल इन द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप रो IG बा इंस्पेक्टर जनरल कहाँ को निजुक्ति करा जाए छी रिसेंटली, किए निजुक्ति होती से होती लव कुमार, ऑप्शन नंबर डी हूँ आमर सॉरी ये ऑप्शन नंबर सी डी लिखी दीजिए, ऑप्शन नंबर सी हूँ आमर सठिक उत्तर लव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु बिकम इंडियाज फर्स्ट वुमेन टू रिप्रेजेंट इंडिया एज जूरी मेंबर एट पेरिस ओलंपिक्स 2024। आमर पेरिस ओलंपिक्स खूब शीघ्र आरंभ हम जुलाई मास रे, तो से आमर पेरिस ओलंपिक्स 2024 पाई प्रथम भारतीय महिला किए जी कि इंडिया तरफ जूरी मेंबर रूपे रिप्रेजेंट करेंगे, जूरी मेंबर रूपे रिप्रेजेंट करेंगे से हो किए से होती जम्मू काश्मीर बिल्किस मीर, ऑप्शन नंबर ए होची अमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच एक्टर हैज बीन एनलिस्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू एडवोकेट फॉर यूथ पार्टिसिपेशन इन द अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन। से कहे आमर जो आगामी लोकसभा इलेक्शन जो बर्तमान तो आम इलेक्शन सरीगला, आज तो 1 तारीख आमर 1 तारीख आम इलेक्शन लास्ट, तो आमर जो यहाँ पूर्व अप्रैल मस करंट अफेयर्स, तो से कहे आम जो इलेक्शन कमीशन आमर क्या यूथ माने केमती एनकरेज होकर आमर इलेक्शन बा आमर निर्वाचन रे भोट देवाई भाग ने से जन को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा आमर यूथ आइकन बना जाता, यूथ आइकन बना जाता, तो क्या बना जाता, क्या आमर यूथ आइकन बना जाता, यूथ आइकन बनते किए सी होती आयुष्मान खुराना, ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु ओन द मेन सिंगल्स टाइटल ऑफ मियामी ओपन 2024। से कहे 2024 मियामी ओपन सिंगल्स टाइटल विनर मेन्स कैटेगरी रे किए, मेन्स सिंगल्स टाइटल मियामी ओपन 2024 विनर होती किए से होती जानिक सिन्नर।
नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे रिसेंटली हू वेयर नेम्ड एज द हॉकी इंडिया मेन एंड वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2023 से कहे 2023 रो मेन्स आउ वुमेन्स हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड क्या चयन कराला तो देखो 2023 जी भल परफॉर्मेंस कर 2024 दि जाए तो 2023 वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड विनर होती किए से होती सलीमा टेटे वुमेन्स हॉकी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड होती सलीमा टेटे आ पचार मेन्स हॉकी इंडिया मेन्स हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड पाई किए हार्दिक सिंह तो ऑप्शन नंबर डी हो बोथ ए एंड बी मेन्स कैटेगरी हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड पाई हार्दिक सिंह आउ वुमेन्स कैटेगरी प्लेयर ऑफ द ईयर पाई किए से होती सलीमा टेटे तो ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू हैज टेकन ओथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड झारखंड नुआ चीफ मिनिस्टर किए अच्छा झारखंड नुआ मुख्यमंत्री किए अच्छा से होती आमर चंपाई सोरेन किए चंपाई सोरेन ऑप्शन नंबर सी हूँ सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू इज द चेयरमैन ऑफ द वन नेशन वन इलेक्शन कमिटी वन नेशन वन इलेक्शन कमिटी रो चेयरमैन किए बनी तो देखु वन नेशन वन इलेक्शन कमिटी रो चेयरमैन बनी रामनाथ कोविंद नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच स्टेट इज द गुप्तेश्वर फॉरेस्ट व्हिच हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द स्टेट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट रिसेंटली को राज्यर गुप्तेश्वर फॉरेस्ट को वर्तमान आमर स्टेट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट रो मान्यता दिगला को स्टेट रो आमर ओडिशार गुप्तेश्वर फॉरेस्ट को रिसेंटली आमर ओडिशार फोर्थ स्टेट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट रो मान्यता दि जाए यह को जिले अच्छी आमर कोरापुर जिले अच्छी गुप्तेश्वर फॉरेस्ट लोकेटेड नियर गुप्तेश्वर शिव टेम्पल विद इन द ढुंड्रोखोलो रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ द जयपुर फॉरेस्ट डिवीजन इन ओडिशा कोरापुर डिस्ट्रिक्ट ओडिशार कोरापुर जिलार जयपुर फॉरेस्ट डिवीजन रो ढुंड्रोखोलो रिजर्व फॉरेस्ट भितर गोटे शिव टेम्पल अच्छी ताकि गुप्तेश्वर फॉरेस्ट रही तो सहीटा को आमर रिसेंटली ओडिशार फोर्थ बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट रो मान्यता दि जाए तो मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी से कहते इंडियन आर्मी द्वारा रिसेंटली ऑपरेशन सर्वशक्ति को लॉन्च करा गला तार मुख्य उद्देश्य कौन कौन पाए ऑपरेशन सर्वशक्ति को आमर इंडियन आर्मी द्वारा लॉन्च करिवार मुख्य उद्देश्य होउची जे आमर जो पाकिस्तान तरफ जो आमर टेररिस्ट अटैक होउची आमर पूंछ इलाका जम्मू काश्मीर पूंछ अच्छी तो राजौरी पूंछ ए इलाकार बारंबार पाकिस्तान मैंने टेररिस्ट आटाक होती मूलोत्पाट करेंगे मैंने पूरा ध्वंस करदे टेरर आटाक पूरा हटेदे एलिमिनेट करवा तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर एलिमिनेट टेररिस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू ओन द टाइटल ऑफ चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 से कहते 2023 चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स टाइटल आमर ये चेस रे दि जाऊँगी चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स टाइटल 2023 विनर होती डोमा राजू गुकेश हो 2023 चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स टाइटल विनर ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर डी गुकेश को प्लेयर पचार से होने चेस प्लेयर चेस नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू ओन द मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी रिसेंटली मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी रो विनर किए मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी विनर होती किए ना गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ऑप्शन नंबर ए हूँ सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू कैरी 100 मिलियन पैसेंजर्स इन ए सिंगल ईयर से कहते गोटे सिंगल वर्ष 100 मिलियन आमर इन आमर कौन कर 100 मिलियन आमर पैसेंजर को कैरी कर फर्स्ट इंडियन एयरलाइन किए फर्स्ट इंडियन एयरलाइन जी की गोटे ईयर रे 100 मिलियन पैसेंजर को कैरी कर सी हूँ आमर इंडिगो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर इंडिगो नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू हैज टेकन ओथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना से कहते तेलंगानार नुआ चीफ मिनिस्टर वर्तमान किए अच्छा तेलंगानार वर्तमान नुआ चीफ मिनिस्टर किए अच्छा आमर नुआ चीफ मिनिस्टर होती वर्तमान किए ना से होती
अनमोला रेवंत रेड्डी। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर, अनमोला रेवंत रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी टू बी डिप्लॉयड इन सियाचेन। तो सियाचेन रे वर्तमान निजुक्ति पाई नियोजित होता भारत प्रथम महिला मेडिकल ऑफिसर किए इंडियन आर्मी रे। इंडियन आर्मी रे सियाचेन रे नियोजित होता भारत प्रथम महिला ऑफिसर किए, फास्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर हमारे इंडियन आर्मी रे जय सियाचेन पे नियोजित होती किए, सी होती गीतिका कौल, गीतिका कौल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बिकम द कंट्रीज फर्स्ट एयरपोर्ट फीमेल फाइटर फायर फाइटर। से कहे जे इंडिया आम देशर प्रथम महिला एयरपोर्ट फीमेल फाइटर किए बनले, फास्ट महिला एयरपोर्ट फीमेल फाइटर बनी सी हो दिशा नाइक, दिशा नाइक। ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इंडियन पारा प्लेयर हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द एशिया बेस्ट यंग आथलेट अवार्ड 2023। एग्जाम पे मोस्ट इंपोर्टेंट हम से कहे भारत को पारा प्लेयर मैं पारा माने जो माने जो आम डिसेबल्ड पर्सन आथलेट अच्छा जो मान मान दिव्यांग आम जो आथलेट मान अच्छा से मानकर मध्य रिसेंटली इंडियन पारा प्लेयर क्या सिलेक्शन कर एशिया बेस्ट यंग आथलेट अवार्ड दि जाए 2023 आमर शीतल देवी, जम्मू काश्मीर शीतल देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु क्लींचड द IBSF सिक्स रेड स्नूकर वर्ल्ड चंपिशिप टाइटल। तो किए आम रिसेंटली IBSF सिक्स रेड स्नूकर वर्ल्ड चंपिशिप टाइटल को विन करे विन करमर विद्या पिलाई। ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर, विद्या पिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच फिल्म ओन द गोल्डन पिकॉक अवार्ड एट IFFI 2023। से कहे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2023 रे को फिल्म को बेस्ट आमर को फिल्म को आमर गोल्डन पिकॉक अवार्ड दि जाए कौटा बेस्ट फिल्म से दि जाए गोल्डन पिकॉक अवार्ड। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2023 रे गोल्डन पिकॉक अवार्ड विनर होती किए ना एंडलेस बॉर्डर फिल्म को दि जाए को फिल्म को दि जाए एंडलेस बॉर्डर फिल्म को दि जाए गोल्डन पिकॉक अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बीन इलेक्टेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द यूएन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स। से कहे यूनाइटेड नेशन रो एक्सटर्नल ऑडिटर रो वाइस चेयरमैन रूपे क्या इलेक्ट कर निर्वाचित करमर जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान आमर कौन अच्छा CAG अच्छा वर्तमान पचार हु इज द करेन्ट कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो वर्तमान आमर CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अच्छा किए गिरीश चंद्र मुर्मू, ताकू ही वर्तमान आमर UN द्वारा तार एक्सटर्नल ऑडिटर रो वाइस चेयरमैन रूपे निजुक्ति कर मन रखे एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट देछि हु ओन द IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चंपिशिप 2023। तो IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चंपिशिप 2023 रो विनर किए से पचार विनर होती किए से पंकज आडवाणी, पंकज आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हु पास्ड अवे रिसेंटली। तो देखते से कहे आमर सुप्रीम कोर्टर प्रथम महिला विचारपति किए थे जिकि रिसेंटली मृत्युबरण कर एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहा कहीं से होती आम सुप्रीम कोर्टर प्रथम महिला विचारपति रिसेंटली से मृत्युबरण करा हूँ फतिमा बीबी, फतिमा बीबी। ऑप्शन नंबर सी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द इंटरनेशनल एमी अवार्ड। से कहे इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीति प्रथम भारतीय किए, फर्स्ट इंडियन जिकि इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीति से होती बीर दास। ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर, बीर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू बी इंडक्टेड इनटू ICC हॉल ऑफ फेम। से कहे प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर किए जहाँ को रिसेंटली ICC रो हॉल ऑफ फेम रे अंतर्भुक्त करागला। तो ICC रो हॉल ऑफ फेम, ICC रो हॉल ऑफ फेम रे अंतर्भुक्त होइतिया प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर होचंती डायना एडुलजी, डायना एडुलजी। ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री टू बी टाइम्ड आउट।
एग्जाम पे मोस्ट इम्पोर्टेंट आमर रिसेंटली जो आम वर्ल्ड कप है 2024 आमर जो वर्ल्ड कप है आमर से कहे जो वर्ल्ड कप रिसेंटली जो आम कम्प्लीट हो 50 ओवरिया वर्ल्ड कप से प्रथम क्रिकेटर किए जहाँ आमर टाइमड आउट कर टाइमड आउट हो प्रथम क्रिकेटर किए से पचार फास्ट रिसेंटली आम जो क्रिकेटर होते एंजेलो मैथ्यूज एंजेलो मैथ्यूज प्रथम क्रिकेटर जहाँ टाइमड आउट कर वर्ल्ड क्रिकेट रे वर्ल्ड कप आम जो चलता है एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहा कहीं प्रथम पर्सन होती आम इंपोर्टेंट टाइमड आउट होती। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे हू वाज अवार्डेड द बेस्ट फीफा मेन्स प्लेयर आवार्ड से कहते बेस्ट फीफा मेन्स प्लेयर आवार्ड किए जीति क्या बेस्ट फीफा मेन्स प्लेयर आवार्ड में पुरस्कृत करागला से होती लियोनेल मेसी लियोनेल मेसी ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे हू हाज बिकम इंडियाज नंबर वन चेस प्लेयर लिविंग बिहाइंड विश्वनाथन आनंद से कहे विश्वनाथन आनंद को पचरे पकाई इंडिया किए नंबर वन चेस प्लेयर बनी इंडिया नंबर वन चेस प्लेयर बनी किए से होती रमेश बाबू प्राग्नंदा रमेश बाबू प्राग्नंदा ऑप्शन नंबर ए हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू हाज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से कहे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन रो सीईओ रूपे किए निजुक्त होती इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन रो सीईओ रूपे निजुक्त होती किए से होती आमर रघुराम आईआर रघुराम आईआर ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर रघुराम आईआर। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपण व्हिच बॉलीवुड एक्टर हैज बीन चूजन एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 से कहे आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 आमर को बॉलीवुड एक्टर को ब्रांड एम्बेसडर बना जाता 2023 आईसीसी वर्ल्ड कप रो ब्रांड एम्बेसडर बनी किए से होती शाहरुख खान ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे व्हिच फॉर्मूला वन रेसर हैज ओन ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स टाइटल 2024 तो रिसेंटली आमर 2023 आमर से कहते ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स टाइटल विनर किए ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स फॉर्मूला वन टाइटल विनर होती मैक्स वर्स्टापेन मैक्स वर्स्टापेन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हाउ मेनी रेलवे स्टेशंस ऑफ ओडिशा हैज बीन सर्टिफाइड इट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन इन 2024 से कहे 2024 आम ओडिशार केतोटा रेलवे स्टेशन को इट राइट स्टेशन रो सर्टिफिकेट मिली ओडिशार केतोटा रेलवे स्टेशन को इट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट मिली तो आमर केतोटा ना चारटा स्टेशन आमर भुवनेश्वर पुरी कटक झारसुगुड़ा भुवनेश्वर पुरी कटक एंड झारसुगुड़ा ये चारटा स्टेशन को इट राइट स्टेशन रो सर्टिफिकेट दिया जाए ऑप्शन नंबर फोर हो ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए ब्लैक पैंथर फर्स्ट सीन इन ओडिशास व्हिच डिस्ट्रिक्ट इन 2018 हैज बीन कैप्चर्ड ऑन कैमरा अगेन से कहे ब्लैक पैंथर जहाँकि 2018 ओडिशार जो जिले में देखा जाता है पुणी बर्तमान आम कैमेरा द्वारा पुणी कैप्चर कर तो सही कौ जिले से पचार तो कौ जिले ना से सुंदरगढ़ जिला ऑप्शन नंबर डी हो सटीक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ओडिशा सेलिब्रेट पंचायतराज दिवस ऑन व्हिच डेट से कहे ओडिशा आमर पंचायतराज दिवस पालन कौदिन सेलिब्रेट कर पंचायतराज दिवस ओडिशा रे पंचायतराज दिवस पालन कराए 5 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच मास्कट फ्रॉम ओडिशा हैज एंड ए नेशनल रिकॉग्निशन विथ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया फीचरिंग इट ऑन द कवर पेज ऑफ बीएलओ ई पत्रिका बीएलओ ई पत्रिका कवर पेज रे हमरो फीचर रही इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रो तो रिसेंटली ओडिशार जो ओडिशार आमर मास्कट कौन से पचार मास्कट को आमर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया नेशनल रिकॉग्निशन करी तो आम किए कौटा तार मास्कट मास्कट हो मिता दीदी ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर मिता दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच हॉस्पिटल ओन द प्रेस्टिजियस एशिया सेफ सर्जिकल इम्प्लांट कंसोर्टियम क्यूआईपी अवार्ड 2023 बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कहे आमर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आमर एशिया सेफ
सर्जिकल इम्प्लांट कन्सोर्टियम क्यूआईपी अवार्ड 2023 कौ हॉस्पिटल को पुरस्कृत करा जाय छी तो करेक्ट आंसर होची एम्स हॉस्पिटल भुवनेश्वर ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होची कुल्डीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज रिसेंटली ऑन न्यूज इट इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट से कोची हमरो कुल्डीह कुलडीह हमरो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीटा न्यूज रिसेंटली आसीथिला सेटा कौ जिल्लार अछि को जिल्लार अछि सेटा हमरो बालेश्वर जिल्लार अछि कुलडीह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमरो बालेश्वर जिल्लार अछि ऑप्शन नंबर ए होच करेक्ट आंसर बालेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हिच पीवीटीजी कम्युनिटी गेट्स हैबिटेट राइट्स अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट टू बिकम फर्स्ट कम्युनिटी इन द स्टेट से कोची जे कौ आमर कम्युनिटी पीवीटीजी कम्युनिटी भारत आम ओडिशार प्रथम ओडिशार प्रथम पीवीटीजी ग्रुप जे कि आमर हैबिटेट राइट्स पाइछंती आमर फॉरेस्ट राइट एक्ट अंडर रे फॉरेस्ट राइट एक्ट अंडर रे आमर हैबिटेट राइट्स पाइथिबा फास्ट ओडिशार कम्युनिटी होची किए सी होची आमर पाउडी भुइया पीवीटीजी पीवीटीजी रो फुल फॉर्म होची पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप तो से होती पाउड़ी भुइया एग्जाम इम्पोर्टेन्ट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच अमंग द फॉलोइंग टीम्स ओन द इंडियन वुमेन लीग फुटबॉल 2023-24 से कहो इंडियन वुमेन लीग फुटबॉल 2023-24 रो विनर किए कौ टीम विन करछि हमरो स्पोर्ट्स ओडिशा विन करछि स्पोर्ट्स ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ओडिशा मिलेट मिशन ओडिशा मिलेट मिशन रो ब्रांड एम्बेसडर किए ओडिशा मिलेट मिशन रो ब्रांड एम्बेसडर होचंती किए से होचंती सुभाष महंत ऑप्शन नंबर डी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू इज नोन एज द क्वीन ऑफ मिलेट एंड वाज इनवाइटेड टू द G20 समिट इन कमेमोरेशन ऑफ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स तो से कहे क्या क्वीन ऑफ मिलेट बोली कह जाए एवं तांकु डका जाइथिला हमरो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट रो समिट रे G20 जो हमरो जो समिट हेतला सेठी हमरो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट रो कमेमोरेशन पई डका जाइथिला आ तांकु क्वीन ऑफ मिलेट मध्ये कह जाए तांको ना कोन क्वीन ऑफ मिलेट कहा कह जाए से होचंती रायमती घ्यूरिया ऑप्शन नंबर सी होची सठिक उत्तर इमेज आप देखी पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू हाज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज फास्ट फीमेल एडीसी किए निजुक्ति होती इंडिया फास्ट फीमेल एडीसी बनी किए से होती मनीषा पाढ़ी आम गंजाम जिलार ब्रह्मपुर मनीषा पाढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू ओन 31st एकलव्य पुरस्कार 2023 से कौचि आमर 2023 31st एकलव्य पुरस्कार विजेता किए 2023 31st एकलव्य पुरस्कार विनर होचंती देवाशीष साहू आपण पचारिबो देवाशीष साहू आसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट्स और गेम्स देवाशीष साहू होचंती जणे इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर मन रखिबे आपण पचारिबे देवाशीष साहू कौ खेल सहित संपर्कित ना से जणे इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर मन रखिबे एग्जाम पे इम्पोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि हू विल बी रिसीव्ड द 44th सारला पुरस्कार 2023 ऑलरेडी दि जाइए आमर 2023 44th आमर सारला पुरस्कार विनर किए से पचार किए सारला पुरस्कार विनर होती भीम पृष्टि कौ पुस्तक ना तर जम्बू लोक पुस्तक भीम पृष्टि को 44th सारला पुरस्कार पुरस्कृत कर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू ओन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 मेन सिंगल्स टाइटल से कहे 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल्स टाइटल विनर किए 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल टाइटल विनर होचंती किए ना से होचंती जानिक सिन्नर ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर जानिक सिन्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच हैज बिकम द इंडियाज लार्जेस्ट पोर्ट इन टर्म ऑफ कार्गो वॉल्यूम से कहि रिसेंटली इंडिया सब लार्जेस्ट मेजर पोर्ट हिसाब से आमर कौटा आम टर्म ऑफ कार्गो भल मैंने अधिक कार्गो आमर हैंडलिंग करिवारे इंडिया रो लार्जेस्ट पोर्ट किए बनला यही वर्ष 2024 आमर
सर्वाधिक कार्गो हैंडलिंग करिवार लार्जेस्ट पोर्ट किए से होचे हमरो ओडिसा रा पारादीप पोर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये थला टोटल 50 क्वेश्चन आम डिस्कशन कले आपने 50 रु केते मार्क रखिछंती कमेंट बॉक्स रे निहात भाबे जणैबे जदी वीडियो टे भल लागुछि ताहाले निहात गोटाए लाइक करिवे एवं ता सहित अधिकार अधिक मात्रा रे कृपया संग साथी मानकु शेयर करिवे आ जो माने हम चैनल नुवा छथि चैनल को निहात सब्सक्राइब करंतु एवं ता पकर दिबा ऑल बेल आइकन क्लिक करंतु जहा द्वारा आपण माने समस्त वीडियो रो नोटिफिकेशन पाई पारिवे तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।